जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टैंडर्ड 11 के अंदर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में। बच्चों, हमने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आज लेक्चर 2 के अंदर बच्चों हम अकाउंटेंसी पार्ट 2 सेकंड पार्ट के बच्चों बाकी बचे हुए टॉपिक थे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अकाउंट पार्ट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एग्जाम। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। When a transaction is left unrecorded in primary books, the error is known as blank. तो जब बच्चों को transaction accounts के अंदर record करना या भूल जाए, तो उसे कहा जाता है error of omission. Answer आएगा B बच्चों, जिसे आप देख सकते हो मैंने red color से dark किया हुआ है। तो बच्चों हर एक question जब मैं PowerPoint में present करूँ, तो answer से पहले आप खुद अपने आप भी answer बोलने का या लिखने का try कर सकते हो। Now we are taking second important MCQs बच्चों। An error arises because of non-compliance of accounting principles is known as blank. तो जब बच्चों accounting principle का पालन ना हो और उसके कारण कोई error arise हो, तो उसे बोला जाता है errors of principle. Shortcut या trick बताओ बच्चों, तो question के अंदर ही accounting principle word है, तो आपको उसको ध्यान में रख के ही answer tick कर देना है C. Third question बच्चों, in the books of accounts, when more than one error are committed, but when their effects are recorded on both debit and credit side, the trial balance tallies. Such errors are known as blank. तो जब बच्चों आपने ऐसी error की हो जिसकी debit और credit effect देने के बाद दोनों तरफ balance match हो जाए, तो उसे कहा जाता है बच्चों ए कंपेंसेटरी एरर्स। तो इस प्रकार के एरर्स बच्चों ढूंढना बहुत मुश्किल है, रीजन डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ अकाउंट्स मैच हो जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट इज टैलीड टेंपरेरली विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक अकाउंट। तो जब बच्चों ट्रायल बैलेंस टैली ना हो और अकाउंटेंट को एरर ना मिले, तो टेंपरेरी एक अकाउंट ओपन किया जाता है बच्चों, जिसे कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट। तो सही में आंसर आएगा बी, सस्पेंस अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एमसीक्यू। अब बच्चों टॉपिक आगे जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज नॉट डेप्रिसिएबल। नीचे में से कौन सी असेट्स बच्चों डेप्रिसिएबल नहीं है, उसके ऊपर डेप्रिशिएशन काउंट नहीं होता है। तो सही आंसर आएगा बच्चों डी, लैंड। आप समझ सकते हो बच्चों लैंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती, डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल ऑन लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू नंबर 6, under which method of depreciation balance is maintained between depreciation amount and repairing expenses? तो सही में आंसर आएगा बच्चों reducing balance method, straight line method में बच्चों depreciation every year same रहता है, पर reducing balance method में every year depreciation कम होता जाता है। तो सही आंसर है बच्चों C, reducing balance method, जिसके कारण आप repairing expense और डेप्रिसिएशन के बीच बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट पेड इन कैश। नीचे में से कौन सा एक्सपेंस बच्चों कैश में पेड नहीं होता है, तो उसे कह सकते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन। बार बार जब आपने टॉपिक पढ़ा था, मैं आपको बता रहा था डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू नंबर 8, depreciation indicates blank in useful value of assets. हमेशा बच्चों depreciation count करने से assets का value reduce होता है। तो सही answer आएगा बच्चों B, reduction in the value of assets which is treated as a depreciation. Now we are taking MCQ number 9, general reserve is created by debiting blank. तो general reserve बच्चों कहां से create किया जाता है, तो सही answer है बच्चों B, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे रिलेटेड स्टडी बच्चों आपको 12th में करना है, तो अभी आपको याद रखना है कोई भी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक अकाउंट सो दैट रिजर्व आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। जब भी बच्चों कोई भी रिजर्व बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया जाए, तो उसे बोला जाता है रिजर्व फंड। तो सही आंसर आएगा बच्चों सी, रिजर्व फंड। अब देख सकते हो हर एक में बच्चों जो आंसर है उसे मैंने रेड से डार्क किया हुआ है, तो अब रेड वर्ड खास ध्यान रखना बच्चों। एमसीक्यू नंबर 11,
ब्लैंक बैलेंस इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कौन सा बैलेंस बच्चों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के यूज नहीं होता? तो सही आंसर आएगा बच्चों डी, कैपिटल रिजर्व, इट नॉट यूज्ड फॉर डिविडेंड। ध्यान रखना बच्चों सही आंसर डी है। कई बच्चे प्रोविजन वर्ड टिक कर दिखाते हैं, वो गलत आंसर है। एमसीक्यू नंबर 12, द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड लॉन लायबिलिटीज इज नोन एज ब्लैंक। ऐसा रिजर्व बच्चों जिसका उपयोग डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए हो बच्चों, उसे कहा जाता है सिंकिंग फंड। तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखना बहुत सारे स्कूल में क्वेश्चन आ चुका है। लायबिलिटी के लिए सिंकिंग फंड वर्ड खास याद रखना है। Now we are taking another MCQ related with reserve and provision. MCQ number 13, which reserve is created to strengthen financial position of business? कौन सा reserve बच्चों business की financial position को मजबूत करने के लिए generate होता है? तो सही में answer आएगा बच्चों B, secret reserve. Secret reserve बच्चों without showing books, P&L में accounts में detail दिखाए बिना secretly reserve generate होता है. That is called secret reserve. तो ये financial position को मजबूत बनाता है। MCQ number 14, provision is created out of blank. तो जैसे बच्चों आगे reserve create होता है, वैसे ही provision हमेशा create होता है बच्चों profit and loss account में से। जैसे कि bad debt reserve का provision या कोई भी discount reserve का provision। तो answer आएगा A, profit and loss account। खास ध्यान रखना बच्चों। MCQ number 15, generally who accepts a bill? generally बच्चों bill कौन accept करता है? तो जब बच्चों कोई creditor द्वारा debtor या customer के ऊपर bill लिखी जाए, customer वो accept करता है और sign करके वापस देता है। तो सही answer आएगा बच्चों A, debtor। MCQ 16, bills is an instrument under which act? तो bills के अंदर बच्चों कौन सा act apply होता है? तो ये खास ध्यान रखना बच्चों, generally ये example में नहीं आता है। तो सही में answer आएगा D बच्चों, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल फील्ड में इसका यूज कम होता है, तो थियरी में आपको याद खास रखना होगा। एमसीक्यू नंबर 17, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट बच्चों जिसको राइटिंग में लिखा जाता है कि जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पेमेंट करनी हो, तो उसे बोला जाता है बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें बच्चों खास ध्यान रखना है, कई बच्चे प्रॉमिसरी नोट पर टिक करके आते हैं, तो वो सही नहीं है। करेक्ट आंसर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Now we are taking another MCQs. MCQs की सफर को बच्चों आगे बढ़ा रहे हैं। एट विच प्राइस क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द फाइनल अकाउंट्स। तो बच्चों फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने बहुत बार इसको सॉल्व किया है। तो क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी प्राइस लिखी जाती है बच्चों? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिच एवर इज लोअर। खास ध्यान रखना बच्चों, ऑलवेज लोअर प्राइस टेकन फॉर क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनल अकाउंट्स। एमसीक्यू नंबर 19, फिक्स्ड असेट्स आर डेप्रिसिएटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक। फिक्स्ड असेट पे बच्चों एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट इसके साथ रिलेटेड है? तो बच्चों गोइंग कंसर्न। जब भी आप फिक्स्ड असेट खरीदते हो तो ऐसी धारणा की जाती है कि सालों साल उसका यूज होगा। तो सही आंसर है बच्चों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एमसीक्यू नंबर 20, ब्लैंक कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स शुड नॉट बी चेंज्ड एवरी ईयर। मेथड जो है बच्चों स्टॉक कैलकुलेशन की, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये नहीं बता रहा बच्चों कंसिस्टेंस, कई टीचर्स आपको बार बार बोलते होंगे रिजल्ट कंसिस्टेंस आना चाहिए। तो स्टॉक मेथड चेंज ना हो तो उसके पीछे है बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एमसीक्यू नंबर 21, बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, जिसके पीछे है पीरियड कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा कह सकते हैं। सही आंसर आएगा बच्चों डी, पीरियोडिसिटी या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो आई होप बच्चों एक एक एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो मैंने आपके मटेरियल कॉपी में से लिए है, बाकी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आप मटेरियल में से पढ़ सकते हो। Now we are taking another MCQ बच्चों, fundamental accounting equation or balance sheet equations that is assets equal to liabilities
प्लस कैपिटल इज बेस्ड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हमें बताएं ए इक्वल टू सी प्लस एल, ये कॉन्सेप्ट बच्चों रिलेटेड है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में। तो सही में आंसर आएगा ड्यूअल एस्पेक्ट। हमें बताएं बच्चों हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है। तो सही आंसर है सी ड्यूअल इफेक्ट। एमसीक्यू नंबर 23, According to which principle new books of accounts are prepared every year? तो accounts का कौन सा principle use होता है जिसमें बच्चों every year account prepare होता है? That is called accounting period. तो बच्चों बहुत ही आसान question है, ये भी final exam में बहुत सारे school में आ चुका है बच्चों, it's a different question, खास ध्यान रखना। MCQ number 24, On which date ICAI set up the ASB? Institute of Chartered Accountants of India ने बच्चों ASB Accounting Standard Board का गठन कब किया था? तो ये डेट बच्चों एग्जाम में बहुत अच्छी है, 21st अप्रैल 1977 is the correct answer. तो सही में आंसर आएगा बच्चों डी। MCQ number 25, In which year was IASC International Accounting Standard Committee established? ध्यान रखना बच्चों ASB का सेटअप हुआ, आगे वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो 1977 और IASB का गठन हुआ बच्चों 1973, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1973। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों एमसीक्यू नंबर 26, आई थिंक बच्चों देसीनामा सिस्टम का एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज कॉल्ड जे साइन यूज्ड इन देसीनामा बिटवीन रुपीज एंड पैसा व्हाइल राइटिंग एन अकाउंट? देसीनामा में बच्चों रुपीज और पैसे लिखने के लिए बीच में जो साइन होती है जे, उसे ओलायो बोला जाता है। इट्स अ बी आंसर, ओलायो या ओडायो बोलते हैं गुजराती में बच्चों। 27, विच बुक्स इन देसीनामा आर कॉल्ड एज अ बेसिक और प्राइमरी बुक्स? देसीनामा की बच्चों कौन सी बुक को प्राइमरी बुक बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड रोजमेल, और बच्चों डबल एंट्री सिस्टम में उसे कहा जाता है जर्नल बुक। तो रोजमेल इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 28, इफ द नेम ऑफ अ पर्सन विथ होम financial transaction has been taken place is forgotten, the financial transaction is recorded by which name? तो जब बच्चों कोई person का नाम transaction में record करते समय भूला जाए या forgotten हो जाए बच्चों, तो in this condition वो transactions person के साख खाता में लिया जाता है। तो जब कोई person का नाम भूल जाए बच्चों, तो याद क्या रखोगे? श्री साख खाते, साख खातों account open करके बच्चों उसे देसीनामा system में enter किया जाता है। MCQ number 29, all the transactions recorded in Rojmail or Betho Mail and subsidiary books are again recorded in another books at the end of the 15 days or a month, such books is called blank. तो जब बच्चों Rojmail और Betho Mail के transaction mistake ना हो इसलिए 15 दिन के बाद फिर से जो book में लिखे जाते हैं उसे बोला जाता है आवरो। और इसके लिए बच्चों आपको क्लास में मैंने एक वर्ड समझा दिया है, तो आवरो करे ते भूल ना करे। तो याद रखना है बच्चों रिपीट वर्क के लिए रोजमेल बेटोमेल को रिकॉर्ड किया जाता है आवरो में। आफ्टर दैट नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों एमसीक्यू नंबर 30। अब बच्चों नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू ब्लैंक अकाउंट वाइल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू ब्लैंक अकाउंट। तो जब भी बच्चों नॉन ट्रेडिंग कंसर्न चलाया था मैंने आपको बार बार बोला था रिसिप्ट एंड पेमेंट इज लाइक कैश अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक पीएनएल अकाउंट। तो सही आंसर है बच्चों डी, जिसमें आएगा रिसिप्ट पेमेंट इज इक्वल टू कैश एंड इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों एमसीक्यू नंबर 31, फॉर एनटीसी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न डोनेशन एंड लीगेसी आर वन टाइप ऑफ कैपिटल इनकम। तो सही आंसर आएगा बच्चों सी कैपिटल इनकम, जिसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 32, व्हाट डज क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स सजेस्ट? तो ये बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट बैलेंस आपको क्या सजेस्ट करता है? तो जब क्रेडिट बैलेंस आता है बच्चों, तो इसका मीनिंग ये है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इट इज ट्रीटेड एज अ सरप्लस या फिर एक्सेस इनकम। अब बच्चों हम लोग क्लास में लेक्चर में प्रैक्टिकली यूज करते हैं एक्सेस इनकम वर्ड, पर यहाँ ऑप्शन में सरप्लस है, ध्यान रखना है, बहुत सारे स्कूल में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एमसीक्यू नंबर 33, व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न हैज नॉट द एम ऑफ प्रॉफिट जनरेशन बट टू अंडरटेक एक्टिविटी ऑफ वेलफेयर एंड टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स? तो ऐसा बिजनेस बच्चों जिसका मेन
ऑब्जेक्ट प्रॉफिट का ना हो पर सोशल वेलफेयर का हो, सर्विस का हो, तो उसे बोला जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो सही आंसर आएगा बच्चों डी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एमसीक्यू बच्चों। अब बाकी बच्चों दो टॉपिक उसके एमसीक्यू ले लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक। सिंगल एंट्री सिस्टम को बच्चों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। तो सही हमें आंसर आएगा बच्चों बी, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी अधूरे हिसाब लिखने की अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों, एमसीक्यू नंबर 35। नॉर्मली हु यूजेज सिंगल एंट्री अकाउंटिंग मेथड। जनरली बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम कौन यूज करता है, तो ऐसे कह सकते हैं बच्चों स्मॉल शॉपकीपर्स या रिटेलर्स, छोटे बिजनेसमैन बच्चों अधूरे हिसाब लिखने की सिस्टम यूज करते हैं, जिसे बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। एमसीक्यू नंबर 36। हाउ मेनी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स आर देयर। अकाउंटिंग सिस्टम के बच्चों कितने कंपोनेंट है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर। तो आंसर आएगा बच्चों बी, थ्री। मोस्टली बच्चों कई सारे स्कूल्स में कंप्यूटर वाला पार्ट निकाल दिया है बच्चों, पर कॉमनली ध्यान कॉमर्स हर एक स्कूल की प्रिपरेशन करवा रहा है और सिलेबस में, इसलिए मैंने कंप्यूटर का भी कुछ एमसीक्यू यहां ले लिए है। एमसीक्यू नंबर 37। ब्लैंक इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों सबको पता होगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसके आधार पर बच्चों कंप्यूटर रन होता है। लास्ट एमसीक्यू 38। विच रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज। कौन सा सॉफ्टवेयर बच्चों अकाउंटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टैली। आप सबने सुना होगा बच्चों टैली सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम यूज अकाउंटिंग के लिए होता है। तो ये हो गए बच्चों आपके पार्ट टू अकाउंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले 38 एमसीक्यूज बच्चों। तो इसको बार बार लेक्चर देख लीजिए, एग्जाम के अगले दिन भी आप ये पूरा वीडियो लेक्चर देख के एमसीक्यूज रेडी कर सकते हो। बाकी एमसीक्यूज के लिए बच्चों आप मटेरियल कॉपी का यूज कीजिए। याद तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।